नमस्कार प्रियजनों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपके अपने शुभचिंतक। बात कर रहे हैं नवरात्रों के पूजन की। कल सातवां नवरात्रा है, माँ कालरात्रि का नवरात्रा है, तो कालरात्रि के नवरात्रि की पूजना किस तरह से करें कि माता रानी पूरी तरह से प्रसन्न हो जाए। माँ महाकाली सर्वशक्तिमान देवी है, जनमानस में से प्रसन्न करने के लिए अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। काली साधना से शत्रुओं का जहाँ तक समाप्त कर देते हैं, वहाँ एक काली कृपा से अनेक चमत्कार भी दिखाते हैं। जैसा कि माना जाता है कि महाकाली पार्वती दुर्गा का ही रूप है, तो कहीं वैष्णवी का और कहीं महालक्ष्मी का। इसकी आराधना करके साधक कई जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेते हैं। इसकी कृपा से दरिद्रता का नाश होता है। माँ की साधना किसी का बुरा करने के लिए भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ की साधना करने पर किसी का बुरा करने से स्वयं का बुरा होना शुरू हो जाता है। माँ का रूप काले रंग का है और वह गधे पर सवारी है उनकी। माता की पूजा आप इस तरह से करें कि आपके शत्रुओं का आपसे पीछा छूट जाए और शत्रु आपसे दूर हो जाए और आपसे भय खाने लगे। आप इस तरह से करें, सुबह प्रातः जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद किसी शांत कमरे में, पूजा घर में एकांत स्थान पर आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए आप लाल रंग का ऊन का आसन उपयोग में ले सकते हैं। वह अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर एक थाली रखें। थाली में आप कुमकुम या केसर से श्री महाकाली देवी लिख लें। उसके बाद से आप बीच में अक्षत का ढेर लगाएं, चावलों का ढेर लगा लें और उस पर कुछ पंखुड़ियाँ पुष्पों की बिखेर दें। उसके ऊपर श्री महाकाली की एक विग्रह यानी कि एक मूर्ति रखें, उसके चारों ओर 9 नारियल स्थापित कर दें। उसके बाद से आप विग्रह को यानी कि मूर्ति को आप पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद कुमकुम केसर चंदन से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, नीले रंग के पुष्प चढ़ाएं अवश्य, ताकि माता प्रसन्न हो। माता को कलावा बांधें और नारियल को भी अक्षत और पुष्प से पूजन करें। अब माता रानी के आगे धूप दीप और अगरबत्ती जलाएं, शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और माता रानी को गुड़ का प्रसाद भेंट करें। गुड़ का प्रसाद माँ काली को विशेष तौर से मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें और इच्छा बताएं माता रानी के सामने। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता रानी के सामने प्रार्थना करें कि वे उनकी जिस काम के लिए वो पूजा कर रहे हैं वो कार्य सफल हो। उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। उसके बाद आप माता रानी के मंत्रों का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम ह्रीम क्लीम कालिकाय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम कालिकाय नमः। ये बहुत छोटा सा सरल सा मंत्र है जिसको आप जप करें। एक माला जप करें। एक माला जप करने के बाद आप नित्य इसकी एक माला जप कर सकते हैं। अब जप समाप्ति पर महाकाली देवी से अपने समस्त दुखों की हर लेने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आपकी सर्व कामनाओं की पूर्ति हो, शत्रुओं से आपकी रक्षा हो, शत्रु आपका पीछा छोड़ दें। जो आपके हर कार्यों में आपके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं वो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आपकी आर्थिक उन्नति हो, आप हर दिन तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पर पहुँचें। आपकी सारी विघ्न बाधाएँ दूर हों, सारे विवाद दूर हों, सारे मुकदमों में आपकी जीत हो, हर तरह की से आपकी विजय हो। ये सभी माता रानी के सामने प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए विनती करें। उसके पश्चात गुड़ का प्रसाद जो आपने माता रानी के सामने अर्पित किया है उसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें और पूजन सामग्री सब उठा दें, लपेट कर एक लाल वस्त्र में रख लें। उसके बाद जब आप नवरात्रे खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो उसके बाद से आप लाल वस्त्र में लपेटे हुए सारे सामान को नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस तरह से आप माता रानी का पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद आपको शत्रुओं से रक्षा होगी, आपके लिए एक अभेद सुरक्षा चक्र बन जाएगा आपके चारों ओर, जिससे आपके सभी शत्रुओं से, सभी वाद विवाद से, सभी मुकदमों से आपकी रक्षा होगी। तो भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता दी।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।